लाहीम ला असलकम आज हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ फ़िल्टर अ फ़िल्टर इज़ यूज़ टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डाटा टेबल दैट मैच दी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। फ़िल्टर जो है डाटा के टेबल्स में मौजूद डाटा को हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है अ फ़िल्टर इज़ लाइक आ की फिल्टर जो है एक क्यूरी की तरह है अब सपोज करें हम चाह रहे हैं कि किसी फील्ड्स में से हमने वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है न, करना है या वो नेम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं उन अशास को एक्स्ट्रैक्ट करना है जो कि बहावलपुर सिटी में रहते हैं तो ये हमारा मतलब के फ़िल्टर है नेक्स्ट वन है वर्ट अब दो तरह फिल्टर की दो टाइप्स हैं हम डाटा को दो तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं एक है फ़िल्टर बाय सिलेक्शन और दूसरी है फ़िल्टर बाय फॉर्म तो फ़िल्टर बाय सिलेक्शन में क्या होता है दिस टाइप ऑफ़ फ़िल्टर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट दोज रिकॉर्ड्स फ्राम डाटा बेस टेबल ये उन रिकॉर्ड्स को डाटा बेस टेबल में से एक्सट्रैक्ट करता है डैट कंटेन आइडेंटिकल डाटा वैल्यू इन अ गिवन फील्ड वो फील्ड जिसमें से हम जिसके ऊपर हम फिल्टर लगा रहे हैं उनमें उसके अंदर अगर वैल्यूज वो वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेगा जो एक जैसी होंगी फॉर एग्जाम्पल इट कैन एक्सट्रैक्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स वो उन तमाम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेगा विच हैव वैल्यू बहावलपुर इन अ फील्ड सिटी ऑफ आ टेबल सिटी फील्ड्स में से वो रिकॉर्ड जो, जो, जो जिनकी वैल्यू बहावलपुर है उनको एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा सपोज हमारे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर सब्जेक्ट वाली फ़ील्ड में हम अगर फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं तो हम कहें कि वो वाली फ़ील्ड हमें दें जिनकी वैल्यूज़ वो वाला रिकॉर्ड दें जिनकी वैल्यूज़ जिनका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है तो हमारे पास बाबर अनवर भी आ जाएगा ताहिर अली भी आ जाएगा बाबर अनवर हमें देगा और ताहिर अली रिज़ल्ट देगा ताहिर अली वाला रिकॉर्ड देगा यानी कि रिकॉर्ड नंबर वन आएगा और रिकॉर्ड नंबर थ्री आएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास फिल्टर बाय फॉर्म दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट दर्स फ्राम टेबल बेस्ड ऑन मोर देन वन क्राइटेरिया यहाँ पे हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया की बेस पर टेबल के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे मीन अगर हम कहते हैं कि वो वाले नेम एक्सट्रैक्ट करें जिनका सिटी भी बहावलपुर हो और जिनकी पोस्ट जो है मैनेजर की हो तो ये एक से ज़्यादा हमारा क्राइटेरिया बन जाता है उस बेस पर हम फिल्टर बाय फॉर्म के अंदर सर्च करते हैं अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है जो दो डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी हैं वही डेफिनेशन इसके डिफरेंस के अंदर हमने राइट कर देनी है नेक्स्ट वन है वट इज़ क्यूरी क्यूरी के बारे में भी पहले डिस्कस किया था कि इट्स मीन क्वेश्चन और इंक्वायरी इट्स अ क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट डैट आर सेंड टू डी बी एम एस टू रिट्रीव डाटा फ्राम वन और मोर डाटा वे स्टेबल आर कार्ड क्यूरीज क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट होती है जो कि डी को हम भेजते हैं जो कि एक या एक से दा, ज़्यादा डाटा बेस्ट टेबल्स के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट करके रिट्रीव करवा के आपको देती है इट इज़ अ पावरफुल एंड फ्लैक्सिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग रिकॉर्ड सबसे पावरफुल वे है रिकॉर्ड्स uh, uh, को सेलेक्ट करने का फिल्टर करने का और शॉर्ट करने का अब एडवांटेजेस क्या हैं बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनमें से जो मेन हैं कि हम डिफरेंट टेबल्स के अंदर से डाटा को रिट्रीव करवा सकते हैं एक ही दफ़ा में रिज़ल्ट जो है क्यूरी का वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म्स बनाने के लिए और रिपोर्ट्स बनाने के लिए द डाटा ऑफ डाटा बेस कैन आल्सो भी मोडिफाई और डिलीटेड डाटा जो है डाटा बेस का क्यूरी के जरिए से मॉडिफाई भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो और जो रिट्रीव रिकॉर्ड्स होंगे जो आप टेबल में से एक्सट्रैक्ट करवाओगे कैन बी डिस्प्ले इन पर्टिकुलर ऑर्डर एक खास ऑर्डर में डिस्प्ले करवा सकते हो बेस्ड ऑन डाटा ऑफ स्पेसिफिकल स्पेसिफिक फील्ड नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी हैं तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी पीछे डिस्कस की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज सेलेक्ट क्यूरी एक्शन क्यूरी क्रॉस टैप क्यूरी और पैरामीट्रिक क्यूरी इनकी तफसल जो है हमने पीछे से ही कर लेनी है सेलेक्ट एक्श सेलेक्ट की एक्शन क्यूरी क्रोस टैप क्यूरी और पैरामीट्रिक क्यूरी की नेक्स्ट हम ज्वाइन देख लेते हैं वट इज़ द ज्वाइन यू कैन क्रिएट क्यूरी जब हम एक या एक, एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर क्यूरी अप्लाई करते हैं तो उसे ज्वाइन बोलते हैं तो यू कैन क्रिएट क्यूरी टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल हम क्यूरी बना सकते हैं डाटा को एक से ज़्यादा टेबल में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो दिस टाइप ऑफ क्यूरी डैट इन्वॉल्व टू टेबल वो क्यूरी जो कि टू टेबल्स पर इन्वॉल्व होगी वो कहलाएगी ज्वाइन अ ज्वाइन यूजिज द रिलेशनशिप ऑफ द टेबल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्राम द टेबल ज्वाइन जो है रिलेशनशिप यूज़ करता है टेबल्स के रिलेशनशिप्स को यूज़ करता है डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेबल्स में से अब वाइट्स क्या कार्ड्स क्या होते हैं वाइट कार्ड जो हैं स्पेशल करेक्टर हैं डाटा आर यूज इन क्यूरीज जो कि हम क्यूरी में यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई दी क्राइटेरिया इन डिफरेंट वे सच एज़ बेस्ड ऑन पैटर्न क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने के लिए हमने टेबल्स में से रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम वाइट कार्ड्स यूज करेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं वाइट कार्ड्स वो स्टेरिक है और क्वेश्चन मार्क है फाइन डुप्लीकेट क्यूरी क्या होती है वो क्यूरी जो कि रिट्रीव करवाती है रिकॉर्ड्स uh, को डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ फॉर वन और मोर ऑफ स्पेसिफाइड फील्ड्स ऑफ द टेबल इज कॉल्ड फाइन डुप्लीकेट क्यूरी तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि हमारा आज सिक्स चैप्टर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इसे आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है और कल जो है इसका रिटर्न टेस्ट जो है प्रिपेयर करना है